गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था यस सर, यस सर, प्रेशर गेज क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यस सर, यस सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक फील्ड, ठीक है। Yes, पाइप में जो प्रभाव बह रहा है उसके प्रभाव की दर को मापता है, yes, ठीक है। प्रभाव को मापता है उसके लिए क्या होता है कि चार्ट में आप बताएंगे उसमें फिगर प्लान दिखाते कर रहा था कैसे पाइप में, यस सर, ठीक है। यह बात है पाइप है, यस सर। इसमें क्या होता है यहाँ पे बीच में और ये भी प्लेट लगी होती है, यस, और भी प्लेट लगी होती है। इसमें क्या होता है बीच में छिद्र होता है, ठीक है। ये जो छिद्र होता है इसे हम क्या कहते हैं और भी कहते हैं। यहाँ पे इसमें क्या रहता है प्रेशर, ये हमारा क्या यहाँ पे इनलेट है, यस सर। इनलेट से क्या होता है कोई भी फ्लूइड या द्रव बहता है इस तरफ, इस दिशा में होगा, ठीक है, यस सर। यहाँ पे क्या होता है छेद होता है, इससे क्या होता है द्रव बाहर निकलने लगता है, यस सर, बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ से कंप्रेशन से जाएगा फिर, और यहाँ पे कम जगह होने के कारण वो फ्लूइड बहुत तेज से आगे बढ़ेगा और तेज प्रेशर से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसी से हम इसे क्या करते हैं, क्या करते हैं, फ्लूइड का फ्लो क्या कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, क्या होता है मैनोमीटर लगा होता है, मैनोमीटर लगा होता है ऐसे करके, इसमें क्या होता है हमारा द्रव भरा जाता है, द्रव भरा जाता है वो होता है हमारा पारा होता है, ठीक है। तो पारा क्या होता है पहले ऐसे होता है, जब भी कोई द्रव इसमें जाके गिरेगा ऐसे करके तो पारा हमारा उसके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। इससे इसका जो हाइट होता है इसी से हम इसका क्या कर सकते हैं, तो रेट क्या कर सकते हैं, यस सर, समझ पार्ट्स यस सर। ओके थैंक यू सर।